हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास ट्वेल्थ चैप्टर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज के हम 1 से लेकर 9 तक कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, इवेलुएट 111 एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई वाई एक्स प्लस वाई। हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो एंट्रीज को जीरो करेंगे। कैसे, ऑपरेशन लगाया हमने R1 पे, R1 extends to R1 minus R2 and R2 extends to R2 minus R3। ये हमारे पास किस पे ऑपरेशन है, R2 पे ऑपरेशन है, R2 minus से R3। ठीक है, लगाओ ऑपरेशन। 1 minus 1 क्या आ जाएगा, 0। अब दूसरा R1 minus R2 था ना हमारे पास, R1 में से R2 को माइनस कर दिया, x ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस वाई, और y माइनस वाई क्या आएगा, 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 0, x प्लस वाई माइनस x हो जाएगा, x से x कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास y। अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, क्या आ जाएगा माइनस x। थर्ड हमारे पास एज इट इज रहेगी, फिर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट से कॉलम से, तो ये दो एंट्री जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड हमारे पास एलिमेंट 1 है, ये हमारे पास क्या है एलिमेंट 3 1। थर्ड रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, क्या आएगा माइनस वाई और माइनस एक्स की मल्टीप्लाई, माइनस वाई और जीरो की मल्टीप्लाई क्या आएगी, जीरो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स वाई की मल्टीप्लाई क्या आएगी, एक्स वाई। नेक्स्ट है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 11 to 15। क्वेश्चन 11 to 15 के लिए आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, प्रूव करने में। क्वेश्चन 11, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर गामा स्केयर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल प्रूव करना है, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अप्लाई किया हमने पहले, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, C3 पे हमने ऑपरेशन लगाया, C1 प्लस C3, ये दो हमारे पास एज इट इज रहेंगी। अब इसको प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इधर भी क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों में सेम हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास कॉमन आ गया, ये क्या आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर गामा स्केयर, और 1 1 1। अप्लाई कर देंगे हम, फिर किन्हीं भी दो एंट्रीज को जीरो करना है। R1 पे ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R3, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एज इट इज रहेगा, R1 पे क्या है R1 माइनस R2, क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर, और 1 माइनस 1 0। फिर 3 पे ऑपरेशन, 2 पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R3, बीटा माइनस गामा आ जाएगा, बीटा स्केयर माइनस गामा स्केयर, और 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। दूसरा हमारे पास क्या है, बीटा स्केयर माइनस गामा स्केयर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस गामा लिख सकते हैं ना, और दूसरा क्या लिख देंगे इसको, बीटा प्लस से गामा लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखो अगर यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस गामा, इधर भी अल्फा माइनस बीटा है, इधर भी अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या है जीरो, तो कॉमन आ जाएगा इसमें से अल्फा माइनस बीटा, दूसरे में से बीटा माइनस गामा कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1 1 गामा आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, अब इसमें से इसको हमने ब्रेक करके ये लिखा था, ये हमारे पास कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी प्लस बचेगा, बीटा प्लस से गामा, और ये जीरो है, ये एज इट इज। फिर हम इसको उठा के एक्सपेंड कर देंगे किससे, C3 से, कॉलम 3 से। C3 हमारे पास क्या है, ये जो एलिमेंट है ये दो जीरो है, ये क्या है 3 3 है, थर्ड रो छोड़ दिया, थर्ड कॉलम छोड़ देंगे हम, क्या आ जाएगा ये एज इट इज लिखा। इसको हमने लिखने के लिए क्या किया, इसको ये कैंसिल हो जाएगा, इसके और इसकी मल्टीप्लाई, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास, यही हमारे पास क्या है RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है आपको, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, 1 + PX³, 1 + PY³, 1 + PZ³ इज इक्वल टू प्रूव करना है हमें इसके। कैसे प्रूव करेंगे, देखो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, इसको हमने ब्रेक कर लिया,
तो इसको जब हम ब्रेक करते हैं, इसकी जो हमारे पास फर्स्ट आया है, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट इसके अंदर आएगा, प्लस ये दोनों एलिमेंट इसमें भी सेम रहेंगे, और जो सेकंड एलिमेंट है वो इसमें आएगा हमारे पास। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया, प्लस ये एज इट इज रहेंगे दो, और ये क्या आ जाएगा, पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। चेंज कर दिया हमने इसके अंदर इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में हमने क्या कर दिया, सी वन को सी थ्री और सी थ्री को सी वन में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या आ जाएगा, वन 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 आ जाएगा, और एक्स वाई जेड, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर, प्लस से बीच में। अब इसमें से देखो एक्स एक्स स्केयर एक्स क्यूब, इस पूरे में से तो हमने कॉमन क्या ले लिया, पी ले लिया, इस पूरे में से कॉमन क्या लेंगे, एक्स, इसमें से वाई और इसमें से जेड, एक्स वाई जेड, क्या आएगा यहाँ पे, वन वन वन, एक्स वाई जेड, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर। अब दोनों हमारे पास टर्म सेम है, दोनों में से हम ये कॉमन ले लेंगे पूरा का पूरा, ये कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ये पूरा बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा वन, प्लस ये कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, पी एक्स वाई जेड। अब ये हमारे पास एज इट इज रहेगा, फिर इसके लिए हम अप्लाई कर देंगे वन प्लस पी एक्स वाई जेड एज इट इज, इस पर हमने ऑपरेशन लगाया आर वन माइनस आर टू, आर टू पे ऑपरेशन लगाएंगे आर टू माइनस आर थ्री, क्योंकि हमें दो एलिमेंट कोई भी जीरो करना है। तो क्या करेंगे, आर वन माइनस आर टू, वन माइनस वन जीरो, एक्स माइनस वाई, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, फिर इस पर लगाएंगे वन माइनस वन जीरो, वाई माइनस जेड और वाई स्केयर माइनस जेड स्केयर। ये हमने पीछे किया ही था अभी, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर को हम क्या लिख देंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई लिख देंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड आ जाएगा। अब कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आएगा, एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, इसमें से क्या आएगा, वाई माइनस जेड आ जाएगा, जीरो जीरो वन 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 जेड, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड स्केयर। अब हम इसको थर्ड फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर देंगे, ये एज इट इज फर्स्ट कॉलम से करेंगे कैंसल, वन की और इसके मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड, माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स माइनस वाई, वाई से वाई कैंसल, क्या आ जाएगा, जेड माइनस एक्स, ये एज इट इज, ये हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 3a माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, 3b माइनस सी प्लस ए, ये आपको दे रखा है। इसके लिए हमने क्या किया, c1 पे हमने ऑपरेशन लगा दिया, c1 प्लस c2 प्लस c3। जब हम सभी को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, देखो 3a, इसके अंदर ये प्लस किया, ये प्लस किया, 3a माइनस 2a आ जाएगा, 3a में से माइनस का 2a घटा देंगे, क्या बचेगा a, और क्या है b और c, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में ऐसे बनेगा एलिमेंट, ये हमारे पास सेम रहेंगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन 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 बन जाएगा आपके पास, और ये हमारे पास एज इट इज है। अब इस पर हम ऑपरेशन लगा दें किन्हीं भी दो को जीरो करने के लिए, अप्लाई कर दिया आर वन माइनस आर टू, और आर टू पे आर टू माइनस आर थ्री। अब वन आर वन माइनस आर टू करेंगे, वन माइनस वन क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी, और उसमें से हमने माइनस कर दिया ये, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए बी माइनस थ्री बी, क्या आ जाएगा, माइनस टू बी। इसी तरह इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी। फिर हमने टू पे ऑपरेशन गया, आर टू माइनस आर थ्री, वन माइनस वन जीरो, इसमें से माइनस करेंगे टू बी प्लस सी, इसमें से करेंगे माइनस बी माइनस टू सी, और लास्ट हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट कॉलम से करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए माइनस टू बी मल्टीप्लाई माइनस बी माइनस टू सी, इनके मल्टीप्लाई करेंगे टू बी प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस बी, ये एज इट इज है। अब इसको करेंगे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ए बी, और प्लस टू ए सी, ये करेंगे टू बी स्केयर प्लस फोर बी सी, ओपन हो जाएगा टू बी स्केयर से टू बी स्केयर कैंसिल, ए बी और फोर ए बी, और दूसरा हमारे पास क्या है ए बी का, टू ए बी, टू ए बी और ए बी, थ्री ए बी आ जाएगा, टू ए सी और ए सी, थ्री ए सी, फोर बी सी में से बी सी घटा देंगे, क्या आ जाएगा, थ्री बी सी, पूरे में से थ्री हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 1, 2, 3, 1 प्लस पी, 3 प्लस 2 पी, 6 प्लस 3 पी, ये आपको दिया हुआ है, इज इक्वल टू हमें 1 प्रूव करना है।
अब करेंगे अप्लाई। देखो इसमें से हम ये माइनस कर दें, ठीक है, कि इसके टू से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से माइनस कर देंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। फिर इसी तरह इसमें कर देंगे, इन्होंने फर्स्ट को एज इट इज़ रख लिया, दो को ज़ीरो कर दिए। आर टू पे हमने ऑपरेशन लगाया, टू से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे, आर टू माइनस टू आर वन। आर थ्री पे लगाया, आर थ्री माइनस थ्री आर वन। तो देखो कैसे आएगा, फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा, सेकेंड में कर दिया हमने टू, मल्टीप्लाई कर दिया, टू से टू कैंसिल हो के क्या आएगा ज़ीरो। इसके हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू प्लस टू पी आ जाएगा, टू पी में से टू पी घटा देंगे ज़ीरो आ जाएगा, और थ्री में से घटाएंगे क्या आएगा वन आ जाएगा। इसी तरह इसको कर देंगे, ये आ जाएगा टू प्लस पी। फिर इसमें से हम इसकी थ्री से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे ज़ीरो, इसकी थ्री से थ्री बन जाए थ्री थ्री, और ये क्या आ जाएगा थ्री पी से थ्री पी कैंसिल, सिक्स में से घटा देंगे थ्री आ जाएगा। फिर ये कर देंगे, ये आ जाएगा। अब हम इसको उठा के एक्सपेंड कर देंगे वन, और इसकी इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी वन की, और सेवन प्लस थ्री पी की, सेवन प्लस थ्री पी इनकी मल्टीप्लाई थ्री इंटू टू प्लस पी, वन एज इट इज़ सेवन प्लस थ्री पी, थ्री टू जहाँ सिक्स, माइनस से थ्री पी, थ्री पी से थ्री पी कैंसिल, सेवन में से सिक्स जाएगा वन, और वन की मल्टीप्लाई भी क्या आ जाएगी वन। यही हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा प्लस लैम्डा कॉस बीटा प्लस लैम्डा कॉस गामा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो। जब हमें ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, या तो कोई भी एक रो या कॉलम इक्वल दिखा देते हैं कि कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल है, या फिर हम पूरी की पूरी किसी भी एक रो को या कॉलम को के सभी एलिमेंट्स को ज़ीरो कर देते हैं। देखते हैं, देखो अप्लाई कर दिया हमने सी टू पे, सी टू ये हमारे पास, इसके ऊपर हमने अप्लाई किया क्या, कोस लैम्डा सी टू माइनस साइन लैम्डा सी वन। देखो सी टू हमारे पास ये है, इसको हमने कैसे अप्लाई किया कि इसकी कोस लैम्डा से मल्टीप्लाई की, क्या आ जाएगा कोस लैम्डा कोस अल्फा आ जाएगा, फिर उसमें से माइनस कर दिया साइन लैम्डा सी वन, साइन लैम्डा और सी वन हमारे पास क्या है साइन लैम्डा, और सी वन हमारे पास क्या साइन अल्फा, इसी तरह इसके अंदर आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास फॉर्मूला किसका है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है कोस ए माइनस ए प्लस ए बी का, क्योंकि माइनस है तो प्लस का फॉर्मूला होता है, प्लस है तो माइनस का। तो इसको हमने ये एज इट इज रहेंगे, ये क्या आ जाएगा कोस अल्फा प्लस लैम्डा का कोस बीटा प्लस लैम्डा कोस गामा प्लस ए लैम्डा। अब देखते हैं सी टू और सी थ्री दोनों हमारे पास इक्वल हो गई, सी टू इज इक्वल टू सी थ्री, दैट डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। कोई भी दो हमारे पास रो या दो कॉलम इक्वल दिखा देंगे तो हम क्या बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या आएगा ज़ीरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सॉल्व टू बाई एक्स प्लस थ्री बाई वाई प्लस टेन बाई जेड इज इक्वल टू फोर। ये आपको तीन इक्वेशन दी हुई हैं, फर्स्टली हमने पुट किया वन बाई एक्स इज इक्वल टू यू, वन बाई वाई इज इक्वल टू वी, एंड वन बाई जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू। क्या आ जाएगा यहाँ से, टू यू प्लस थ्री वी प्लस टेन डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर। सेकेंड है फोर यू माइनस सिक्स वी प्लस फाइव डब्ल्यू इज इक्वल टू वन, और सिक्स यू प्लस नाइन वी माइनस ट्वेंटी डब्ल्यू इज इक्वल टू टू। ये तीन इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे, अब सिस्टम को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ से हम ए निकालेंगे, ए क्या आ जाएगा टू फोर सिक्स थ्री माइनस सिक्स नाइन टेन फाइव माइनस ट्वेंटी। एक्स हमारे पास क्या आएगा, वेरिएबल क्या है यू वी डब्ल्यू, ये आ जाएगा, और बी हमारे पास क्या है फोर वन टू। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, टू एज इट इज़ ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी सिक्स जो वन ट्वेंटी, माइनस नाइन फोर जो फोर्टी फाइव, माइनस थ्री ये कैंसिल, ट्वेंटी की और फोर की माइनस एट्टी आ जाएगा, सिक्स फाइव जो माइनस थर्टी, प्लस टेन हो जाएगा, नाइन फोर जो थर्टी सिक्स है और प्लस थर्टी सिक्स है, ये आ जाएगा वन ट्वेंटी में से फोर्टी फाइव को माइनस करेंगे, सेवेंटी फाइव, सेवेंटी फाइव टू जो वन फिफ्टी, इसमें से माइनस वन हंड्रेड टेन आ जाएगा, वन हंड्रेड टेन की थ्री से करेंगे थ्री थर्टी, थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स सेवेंटी टू, सेवेंटी टू की टेन से सेवन ट्वेंटी, प्लस करेंगे क्या आ जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड। उसके बाद हमें क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, इस तरह से हम कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर के बाद हम क्या निकालते हैं, ए इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन बाई ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजोइंट ऑफ ए, वन बाई ए डिटर्मिनेंट क्या आया था ट्वेल्व हंड्रेड, और एक एडजोइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, ये दे रखा है सेवेंटी फाइव, वन हंड्रेड टेन सेवेंटी टू, वन फिफ्टी माइनस हंड्रेड ज़ीरो, सेवेंटी फाइव थर्टी माइनस ट्वेंटी फोर। अब एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, ए इनवर्स बी, एक्स हमारे पास क्या है यू वी डब्ल्यू, ए इनवर्स हमने अभी फाइंड किया है और बी हमारे पास क्या है फोर वन टू,
ये हमारे पास एज इट इज रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 75 के 4 से करेंगे 300, 150 के 1 से 150, 75 टू जा 150, 110 के 4 से 440, माइनस 100 के 1 से 100, 30 के 2 से 60, 72 के 4 से करेंगे 288 और प्लस से 0, माइनस 24 के 2 से 48, ये एज इट इज आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 600, 400 and 240। अब यहाँ से देखते हैं u इज इक्वल टू क्या आया, 600/1200। अब इसको हमने सॉल्व किया तो 1/2, u की वैल्यू क्या आ गई 1/2। u को हमने क्या माना था 1/x, और 1/x किसके इक्वल हो गया 1/2 के। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। v क्या आ जाएगा 400/1200, ये कैंसिल होगा 1/3, v की वैल्यू 1/3, v को क्या मान के चले थे 1/y, तो 1/y क्या आ गया 1/3। इसको हम चेंज करेंगे, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। If A, B, C are in AP, then the determinant, A, B, C आपको AP के अंदर दिया हुआ है, तो determinant find करेंगे। अप्लाई कर दिया R2, 2R2 माइनस R1 प्लस से R3, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे R2 की, इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरे की, और उसमें से माइनस करेंगे इन दोनों के सम को 2x। अब R2 पे ऑपरेशन लगा रखा है, फर्स्ट हमने एज इट इज रख लिया, इस पे ऑपरेशन लगाया तो हमने क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 2x और प्लस से 6 है, 2x है, इधर भी क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, और 6 है 4, और ये क्या आ जाएगा 2b। तो इसको हम क्या लिख देंगे, एज इट इज लिखते चलेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट एज इट इज रहेगा, इन दो को करेंगे ये 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 2b माइनस ac। फिर हमारे पास देखो 2b, अगर abc ap के अंदर दिया हुआ है, abc आर इन ap, तो हम क्या बोलते हैं ap में, b माइनस a किसके इक्वल होता है, c माइनस b के इक्वल, माइनस b को इधर लेके आएंगे, b प्लस से b इधर क्या आ जाएगा c प्लस a, 2b इज इक्वल टू किसके हो जाएगा c प्लस a के इक्वल। इस 2b की जगह हम क्या रख सकते हैं c प्लस a, c से c कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। हमारे पास सेकंड रो 0 हो गई, तो पूरे का डिटर्मिनेंट भी क्या आ जाएगा 0, तो क्या बोल देंगे a ऑप्शन आएगा आपके पास। नेक्स्ट है 18। इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर, एक्स वाई जेड आपके पास नॉन जीरो रियल नंबर है, देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इनवर्स निकालना में मैट्रिक्स ए का, इस ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, फर्स्ट एक्स है कैंसिल कर देंगे, वाई जेड माइनस जीरो, और सभी जीरो हैं तो हमारे पास जीरो ही आएगा। अब इसकी करेंगे एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि तीनों क्या है नॉन जीरो में एलिमेंट्स हैं, नॉन जीरो रियल नंबर हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई जीरो नहीं हो सकती, ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा हमारे पास। ए वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा वाई जेड, ए वन टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या आ जाएगा जीरो, ए वन थ्री को फैक्टर निकाल लिए, को फैक्टर के बाद हम क्या निकालते हैं ए इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजोइंट ऑफ ए, ए का डिटर्मिनेंट क्या है 1/xyz, और ये क्या है वाई जेड 0 0, ये हमारे पास से ए एडजोइंट ऑफ ए आया। जब हम इसको अंदर लेके जाएंगे तो इसके डिवाइड में जाएगा एक्स वाई जेड, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/x, यहाँ 0 कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/y और यहाँ क्या आ जाएगा 1/z। इस x को ऊपर लेके जाएंगे क्या आ जाएगा x की पावर माइनस 1, इधर y की पावर माइनस 1, z की पावर माइनस 1, ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। लेट a इज इक्वल टू 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1, वेयर थीटा हमारा कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। अब हमें बताना है कि डिटर्मिनेंट है वो कहाँ बिलोंग करेगा, देखते हैं। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, कैसे, 1 एज इट इज रहेगा, डिटर्मिनेंट के लिए कैंसिल हो जाएगा, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा क्या आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, फिर क्या है माइनस से साइन थीटा तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, इससे करके ना हमने एक्सपेंड माइनस साइन थीटा, ठीक है यही आएगा आपके पास, क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ हमारे पास क्या आएगा माइनस साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल, साइन थीटा के वन से करेंगे माइनस साइन थीटा, इसकी इससे करेंगे प्लस हो जाएगा साइन थीटा, फिर वन से करेंगे ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वेयर थीटा और प्लस से वन आ जाएगा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जीरो, ये क्या आया वन प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, इधर से भी क्या आ गया वन प्लस
साइन स्केयर थीटा 1, 1, 2 और ये क्या आ जाएगा 2 साइन स्केयर थीटा। इसको हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू 1 प्लस साइन स्केयर थीटा। अब जो थीटा दे रखा वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से 2 पाई के लिए लाई करता है। तो थीटा के साथ अगर हम साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा 0 पे कितना होता है 0 और साइन थीटा 2 पाई भी कितना होता है 1। तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी इसमें, 0 से 1 तक। अगर फिर हम इसका स्केयर, क्योंकि इस तक पहुँचना है ना हमें, तो स्केयर करेंगे साइन स्केयर हो जाएगा, तो 0 का स्केयर भी क्या होता है 0 और 1 का स्केयर भी क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। फिर इसके अंदर हमें और क्या करना है, 1 ऐड करेंगे, इधर भी 1 ऐड किया, इधर भी 1 ऐड किया, ये क्या आ जाएगा साइन स्केयर थीटा प्लस 1, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 2, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 2 4। तो हमारे पास जो A का डिटर्मिनेंट है वो कहाँ से कहाँ तक लाएगा, इक्वल भी है ना दोनों में, तो वो हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 2 से 4 तक लाई करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ये थी आपकी एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4। ओके, थैंक यू।